नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ऑस्कर विनिंग फिल्म आरआरआर की सीक्वल से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। एक रिपोर्ट की माने तो इन दिनों इस फिल्म के सीक्वल की स्क्रिप्ट और काम चल रहा है। इसकी कहानी अफ्रीका में सेट हो सकती है। ये जानकारी फिल्म के राइटर और डायरेक्टर एसएस राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने दी है। उन्होंने कहा वो अभी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जिसके बाद वो इसे राजामौली के साथ शेयर करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2025 में इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन वर्क शुरू होगा। फिलहाल राजामौली महेश बाबू के साथ अपनी अगली फिल्म SSMB-29 पर जुटे हुए हैं। 4 साल के गहलोत पायलट विवाद को 20 दिन पहले दिल्ली में मैराथन बैठक के दौरान सुलझाने का दावा करने वाली कांग्रेस नए संकट में फंस गई है। गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा की ओर से उछाले गए 500 करोड़ रुपए के लेन देन वाली लाल डायरी के प्रकरण ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को चिंता में डाल दिया है। डायरी में छिपे राज बाहर लाने की मांग उठाकर बीजेपी 2 दिन से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर इसे हवा दे रही है। वहीं गुरुवार को सीकर में सभा करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर कांग्रेस को घेर सकते हैं। चूंकि मोदी शेखावटी में आ रहे थे और गुड़ा इसी क्षेत्र में आते हैं, ऐसे में कांग्रेस को डर है कि मोदी इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे जो राजस्थान के साथ बाकी 4 चुनावी राज्यों में भी अपना असर दिखा सकता है। AICC सूत्रों का कहना है कि गुड़ा के मंत्री पद से बर्खास्तगी का फैसला लेने में जल्दबाजी हुई है। AICC नेताओं के एक वर्ग का मत है कि एक दिन पहले आनन फानन में गुड़ा को मंत्री पद से हटाकर दूसरे ही दिन विधानसभा से निलंबित करने के मामले ने ज्यादा तूल पकड़ा है। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में गुरुवार को सेना ने तख्ता पलट कर दिया। कुछ हथियारबंद सैनिक राष्ट्रपति भवन में घुसे और उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। उसी के साथ राष्ट्रपति मोहम्मद बज़्म को सत्ता से हटाकर कैद कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने तख्ता पलट का ऐलान नेशनल टीवी पर आकर किया। कर्नल अमोदा अब्रदमाने अन्य सैन्य अधिकारियों संग टीवी पर आए और राष्ट्रपति को सत्ता से बेदखल करने की बात कही। कर्नल ने आगे कहा बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और खराब शासन के कारण हम राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर रहे हैं। अब दामने ने कहा कि नाइजर के बॉर्डर सील है, पूरे देश में कर्फ्यू घोषित है और सभी सरकारी दफ्तरों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नाइजर के राष्ट्रपति को हर संभव मदद देने की बात कही है। वहीं UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से बात की है और उन्हें संयुक्त राष्ट्र का पूरा समर्थन देने की पेशकश की है। राहुल गांधी केरल के मल्लापुरम में घुटने के दर्द का इलाज करवा रहे हैं। वे यहां 100 साल पुराने आयुर्वेदिक संस्थान कोटक्कल आर्य वैद्यशाला में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। वैद्यशाला के पी मदन वनकुट्टी वैरियर और के मुरलीधरन के साथ डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है। वे 29 जुलाई तक यहां रहेंगे। इस बीच राहुल ने कोटक्कल में बने विश्वम्भरा मंदिर में पूजा अर्चना की। आर्य वैद्यशाला के रोगियों के लिए यहाँ मंदिर आराम और शांति के लिए बनाया गया है। राहुल गांधी 21 जुलाई को पूर्व CM ओमन चांडी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। इसके बाद वे कोटक्कल पहुंचे थे। पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को घुटने के दर्द की परेशानी हुई थी। उस वक्त वो केरल में थे। यात्रा पूरी होने पर उन्होंने बताया कि एक समय घुटने का दर्द इतना बढ़ गया कि यात्रा जारी रखना मुश्किल लग रहा था। हालांकि एक फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से राहुल ने यात्रा पूरी की। भारत जोड़ो यात्रा ने 136 दिनों में 75 जिलों, 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की थी। राहुल गांधी हर दिन पैदल चलते थे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र नगर पालिका प्रशासन निदेशालय ने 1782 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, फायर ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जैसे पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए 45 साल तक के उम्र के उम्मीदवार महाराष्ट्र नगर पालिका प्रशासन निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 20 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों का सिलेक्शन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। भर्ती में सेलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 15,500 से लेकर 56,700 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। अगर आपको युगचरण की न्यूज अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युगचरण के साथ।